पता नहीं क्या क्या है, कुछ दबा दो। अच्छा सीधे चला। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इज अनदर डेली व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:10। यस, मैं इतनी जल्दी उठ गई, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। नहीं, मैं वैसे भी जल्दी उठती हूँ, अराउंड 7 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि मम्मी नहीं सोने देती हैं बिल्कुल भी। और अगर आपके घर में डॉग है तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोने देगा। सो अभी हम जा रहे हैं जावी को घुमाने के लिए, क्योंकि यूजुअली हम उसको यहीं ले जाते हैं, बट उस बेचारे का भी बहुत ज़्यादा घूमने का मन करता है, तो हम उसको उसकी जगह लेकर जाएंगे जहाँ पर वो पार्क में खेल सकता है। तो भी चलते हैं। जावी सब कुछ जंप करके दिखा दो, जंप करके दिखा दो। गुड मॉर्निंग बोलो मम्मी। ऐसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग इतनी लो एनर्जी से? चलो हटो, दीदी को भी बैठने दो साइड में। हट जाओ हट जाओ। स्टॉप, रवि स्टॉप बोला है ना, रुको कम। ओए होए, अरे अरे भगा दिया भगा दिया भगा दिया। तो ये वो ग्राउंड है जहाँ पर हम जावी को छोड़ते हैं। 1, 2 ये गया और अभी हमें कभी नहीं मिलेगा। तेरे को बैठने के लिए छोड़ा है, तेरे को बैठने के लिए छोड़ा है। कैसे? अब वहाँ जाके बैठ जाएगा, मतलब ये इतना, इससे ज्यादा तो हमें थक जाते हैं। भागो यहाँ से, तेरी तो एकदम ऐसे लगता है चीता भाग रहा है। चीटा चीटा की बात तो ये मिट्टी में बैठ गया है। एंड सेकंड कि हमें इसको इतनी दूर भगाने जाना पड़ता है, मतलब अब ये कहीं और जाके कोने में बैठ जाएगा, मैं इसको वहां पर भगाने जाऊं। वाओ, वैसे स्काई कितना अच्छा लग रहा है, कुछ एक्स बना हुआ है। एक्स मतलब रॉन्ग, नेगेटिव, रेड मतलब कुछ बुरा होने वाला है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मैंने ना कल गुड्डो को नहलाया था, मैंने इसको यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिया। जावी ये देखो देखो, हमने कल गुड्डो को नहलाया था ना। अभी हम घर आ चुके हैं और अभी मेरा काम है कि मुझे बनानी है सब्जी आलू गोभी की, तो अभी मैं बनाती हूँ। वैसे मैं बहुत ही धीरे काम करती हूँ मुझे पता है, बट मैं धीरे और अच्छा काम करने पे बिलीव करती हूँ, जल्दी और बेकार काम करने पे बिलीव। तो मम्मी बना रही है मेरा परांठा और ये है मेरी सब्जी। और आपने बहुत ही बार देखा होगा कि हम बस यही बनाते रहते हैं, बट क्या करें, बहुत अच्छी होती है। अच्छा मम्मी, हम आज कहाँ जाएंगे? आज हम जा रहे हैं मूवी देखने, एंड लिटरली हम दो साल बाद मूवी देखने जा रहे हैं। वैसे हम जा सकते थे बीच में, बट पता नहीं हम क्यों ही नहीं गए। तो मैंने खाना खा लिया और अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से नहाने के लिए, क्योंकि अभी मेरे को जल्द से फिर हेयर कट कराने जाना पड़ेगा। और मैं हेयर वॉश घर पे ही कर रही हूँ, वैसे तो वो कर देते हैं बट वो एनिमल टेस्टेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो इसलिए मैं उनसे नहीं कराती हूँ। तो मैं नहा रही हूँ और अश्विनी मुझे छोड़ने जा रही है, बट मुझे जल्दी से कराना है क्योंकि 12:30 बजे की मूवी है, उसके लिए मैं 11:30 बजे जाना पड़ेगा। और अभी पहले ही 10:15 हो गए हैं, तो खुला ही होगा। बाय। पता नहीं, इधर से तो बंद है, ऐसा लगता है कोई बंद ना हो, मेरा पोपट हो जाएगा। मैं अपने बाल इतने शॉर्ट कराने वाली, मतलब अभी इतने मैं इतने इतने शॉर्ट कराने वाली हूँ इतने टाइम बाद, वैसे तो अजीब लग रहा है बट कोई। मैं हेयर वॉश करूंगी तो मेरे बाल फिर से वही हो जाएंगे,
थोड़े अजीब से बट अभी ठीक है। मतलब मेरे को शॉर्ट कराने थे, मेरे बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं बाल, अभी तो मेरे बहुत ही अच्छे लग रहा बट मुझे पता है, चलो कोई नहीं। सो मेरे कुछ ऐसा लग रहा है, वाह। अभी मम्मी आ रही है लेने के लिए, मम्मी पापा आ रहे हैं, फिर हम यहीं से चले जाएंगे। मैं इधर वेट कर रही हूँ, कहाँ छोड़ के मुझे आगे चले गए, मतलब मैं कहाँ वेट कर रही हूँ, मुझे कहाँ छोड़ के चले गए। क्या मम्मी दिख नहीं रही थी क्या? मैं तब कैसे लगता है, मैंने तब नहीं दिखाया, तो मैं किसी दिन आपको जरूर डराऊंगी यार क्या करूं, तो इसीलिए मेरे को अपने स्ट्रेट करने पड़ते हैं। सोच रही थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं यहाँ पर क्या क्या है। वैसे तो मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, दो तीन बार ही आई हूँ सिर्फ, देखते हैं क्या क्या। ओ पियानो, पियानो है, मेरे को पियानो बजाना आता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कुछ ऐसे तो आता था, पता नहीं। वाह, सब कुछ खा लिया। वैसे मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि मैं कौन सी मूवी देखने आई हूँ, मैं देखने आई हूँ आपको बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, वैसे यूजुअली वॉशरूम के पास तो स्मेल आती है ना अजीब सी, बट यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा भी कहीं होता है क्या? ऐसा लग रहा है हेयर कट के साथ मेरा थोड़ा दिमाग भी कट हो गया है, थोड़ी पागल वाली बातें कर रही हूँ मैं। तो इधर पॉपकॉर्न के काउंटर पे, इस पे सॉरी ब्रू वॉफल जो भी आई है, इधर कोई है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ से कुछ चुरा लूँ। मतलब इनके खुले ही तो हैं, ये देखो ये खुले इधर पड़े हैं, मैं जाऊँ अंदर? नो वन कैन स्टॉप मी। सब किसको पॉपकॉर्न बनवाना है वो मुझसे यहाँ पे बनवा सकता है। मतलब पूरा खाली है ना, तो मैं इसलिए ऐसी हरकतें कर रही हूँ। ओह नटी टक्सीड, क्राफ्टेड चॉकलेट पोली, हिमालयन सॉल्ट कैरेमल प्रोटीन, पता नहीं क्या क्या है, कुछ दबा दो। अच्छा सीधे चला। मैं फ्राइज लेने की सोच रही थी, इनके पास है मैक्सिकाना, हार्बनेरो, कार्लिना, कैमुरला, मार्कोना। तब मम्मी भी बजा रही है पियानो। मम्मी क्या आते सारे गामा पादा नहीं साथ है। मैं भी यही कर रही थी। इंटरवेल हुआ है, हमने लिया है पॉपकॉर्न और कोक और फ्राइज भी लिया है और सैंडविच भी लिया है, वो भी आए। हम फाइनली मूवी देख के घर आ चुके हैं। और मम्मी ये क्या है? ये 3D चश्मे है, एक ये दो ये तीन। पर मम्मी इसका क्या करेंगे और ये ले क्यों आए? उसे कहते हैं मीची, ये छोटा सा मीची बच्चा। ओह माय गॉड नूपुर, सीरियसली? शाम हो गई है और ये देखो क्या करे, क्या करे इजावी, रुको सॉरी मांगो, सॉरी मांगो। क्या मम्मी का ब्रश तोड़ दिया है? ये कम से कम 20 ब्रश तोड़ चुका है हमारे घर में, 20 ब्रश। सो अभी बज रहे हैं 8 और मैं कर रही हूँ डिनर, वही सुबह वाली सब्जी जो मैंने बनाई थी। और मैंने अपने बाल ऐसे थोड़े पीछे करके टाई करे हैं, आई गेस ऐसे भी सही लग रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा ही मुंह पे आता है ना तो डांस नहीं हो पाता है। मतलब कि अभी मैं रील बना रही थी तो मेरे से डांस नहीं हो पाया था ढंग से, ऐसे 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 हो रहे थे, तो मैंने पीछे टाई करा, आई गेस ऐसे भी अच्छा लग रहा है। सो यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग मैं ये क्या कर रही हूँ। राइट, मैं बताती हूँ कि इसे बोलते हैं नेबुलाइजर, और जिन लोगों को एस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली मेरे को एस्थमा है बट आई गेस बहुत ही लो लेवल का है। मतलब पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा था, बचपन में मैं बहुत ही ज़्यादा कुपोषित थी बट अब नहीं हूँ। हाँ, तो इसलिए मैं इसको लेती हूँ। और एक्चुअली अभी क्योंकि एकदम
वेदर चेंज हुआ है और हम एसी चलाते हैं और ठंडा पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से मेरे को शाम को बिल्कुल भी सांस नहीं लिया जाता है ढंग से, बहुत ही ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मुझे लेना पड़ता है। दिस इज़ लाइफ सेविंग, अगर मैं ये नहीं लेती हूँ तो मुझसे रात को बिल्कुल भी सोया नहीं जाता है। बट आज फिर भी बेटर है, बट मैं फिर भी इसको ले रही हूँ, तो मैं बस इसको लूँगी एंड देन मैं सो जाऊँगी, क्योंकि वैसे भी इसको लेके बहुत ज़्यादा नींद से नशा सा चढ़ जाता है। सो इसीलिए आई होप कि आपको आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा और मेरी छोटे से बाल पसंद आए होंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब वो जब मैं हेयर वॉश करूँगी तब मुझे असली पता चलेगा कि हुआ क्या है मेरे बालों में। बस विद दैट आई विल एंड माई ब्लॉग हियर, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।